हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग निकले हैं घूमने के लिए। और हम लोग कहाँ पे हैं अभी? उत्तराखंड। तो रास्ते में हमने लिया एक चाय के लिए ब्रेक, क्योंकि बिना चाय के तो सफ़र का मज़ा ही नहीं आ सकता। और मम्मी ने हमें खाना भी पैक करके दिया था घर से, पूरी सब्जी है अचार, तो हमने रास्ते में उसको भी खा लिया। और फिर हमें खूबसूरत नज़ारे दिखना स्टार्ट हुए, पहाड़ियाँ, खुला आसमान, साफ़ सुथरा बिल्कुल। तो रास्ते का मज़ा लेते हुए हम लोग नैनीताल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि पहाड़ों की बात ही अलग होती है। स्पेशली मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, और पहाड़ों की मैगी भी। तो हमने मैगी खाने के लिए एक ब्रेक गाइस। और अभी हम लोग ना नैनीताल पहुंच चुके हैं, और हमने होटल में चेक इन कर लिया है। सामने आपको नैनी लेक दिख रहा होगा, तो हमने ना नैनी लेक के सामने ही होटल सिला में चेक इन किया है। तो आइए मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। तो यहाँ पे है एक एलईडी जो इन्होंने दे रखी है, एक अलमीरा है, और दो सोफे हैं, एक बेड यहाँ पे है, डबल बेड। और यहाँ से ना मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है वो है व्यू। सामने आपको नैनी लेक दिख रही है। जब भी मैं सो के उठूँगी कल, तो मुझे सामने नैनी लेक दिखेगी। इसी से कंबाइन एक दूसरा बेडरूम है, इसके लिए हमें जीने से ऊपर जाना होगा। तो मैं ऊपर आती हूँ, और ये रहा हमारा दूसरा बेड। यहाँ से भी नैनी लेक का व्यू है, बट उतना क्लियर नहीं है। आप देख सकते हैं सामने पहाड़ दिख रहे हैं। तो ये है हमारा एक बेडरूम, और नीचे हमारा दूसरा बेडरूम। फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट करने के बाद माल रोड घूम लेके निकल गए, क्योंकि हमारा होटल माल रोड पे ही था। और रात में क्या व्यू दिख रहा था, पूरा नैनीताल जगमगाता हुआ। और हम लोग काफ़ी थक भी गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह निकले थे और शाम में नैनीताल पहुँचे। तो हमने डिसाइड किया कि अभी इस टाइम हम सिर्फ माल रोड ही जाएंगे, बाकी की प्लानिंग हम कल के लिए रखते हैं। तो माल रोड पे गए, यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, विंटर वेयर्स और ऐसे, मतलब डेकोरेशन के लिए सो पीस, कैंडल्स। नैनीताल में कैंडल्स बहुत ज़्यादा ही मिलती हैं, तो हम लोग ये सब देख रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे। घूमते घूमते हमें आइसक्रीम दिखी, और ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आइसक्रीम खाएं। तो हम लोगों ने आइसक्रीम इन्जॉय किया, और साथ में हम लोग व्यू भी इन्जॉय कर रहे थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे टू है नैनीताल, और ये पीछे आप नैनी लेक देख रहे हैं, और ये सारे खूबसूरत पहाड़, और इधर है हमारा होटल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गए नैना देवी दर्शन के लिए। नैना देवी का जो मंदिर है ना, वो नैनी लेक के पास में ही है, और यहाँ का जो व्यू है वो इतना प्यारा है। ये मंदिर इतना खूबसूरत बना हुआ है, दो पहाड़ों के बीच में ये लेक, और उसके बगल में मंदिर। नैना देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन पर है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे हनुमान जी का भी एक विशाल मंदिर है, यहाँ पे भी लोग दर्शन करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग टिफ़िन टॉप की ट्रैकिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी रास्ते में कि हमने सोचा क्यों ना, अगर हम लोग यहाँ पे हैं और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है पहाड़ों के बीच में, तो एक लॉन्ग ड्राइव प्लान करें। तो बारिश का मज़ा लेते हुए हम ड्राइव कर रहे थे, और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हमें क्लियरली कुछ दिख भी नहीं रहा था रोड पे। तो फाइनली हम लोगों ने एक जगह स्टॉप लिया, और यहाँ से हम लोग व्यू देख रहे थे बाहर का, जो इतना सुंदर लग रहा था। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो हम लोग बारिश का ही मज़ा ले रहे थे बैठ के गाड़ी में।
थोड़ा वेट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर चलते हैं जहाँ पे पार्किंग है गाड़ी की। अगर बारिश बंद होती है तो हम ट्रैकिंग करेंगे, पर हम लोग ऊपर गए और बारिश नहीं बंद हो रही थी, तो हम लोगों ने थोड़ा वेट भी किया। फिर हम वापस होटल आ गए थे। हम लोग जब कार से घूम रहे थे तो हमने काफी वेट किया कि बारिश बंद हो जाए और हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा पाए, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। हम वापस से गए अपने होटल, वहाँ पे हमने कार पार्क की और कुछ टाइम के बाद जब बारिश बंद हो गई तो हमने स्कूटी रेंट पे लेके टॉप के लिए निकले। इन रास्तों पे स्कूटी से चलते हुए हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, तो फिर हम फाइनली टिफ़िन टॉप के लिए जा रहे थे और बारिश नहीं हो रही थी। हम भगवान से प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ बारिश ना हो, हम लोग इतनी दूर से आए हैं तो इन्जॉय कर लें, और शायद भगवान ने हमारी सुन भी ली और बारिश नहीं हुई। तो फिर यहाँ से हमने स्कूटी पार्क कर दी और यहाँ से हम पैदल निकल गए क्योंकि ऊपर चढ़ना था हमें ट्रैकिंग के लिए और स्कूटी जाना पॉसिबल नहीं था। ये जो रास्ता था इतना खूबसूरत था, इतना सुनसान, बिल्कुल बस पंछियों की आवाज़ और हरे हरे जंगल, जंगल के बीच में कुछ ही लोग ट्रैक कर रहे थे क्योंकि बारिश हो गई थी तो बहुत सारे लोग नहीं थे। हम लोग थे और दो चार लोग ही मुझे और दिखे ट्रैकिंग के लिए। हम लोग खूबसूरत इन मोमेंट्स को इन्जॉय करते हुए आगे बढ़े और बहुत थक गए थे क्योंकि ये ट्रैकिंग 1 से 1.5 किलोमीटर की थी। अभी हम लोग लखनऊ में इतना चलते नहीं हैं। फाइनली हमें हमारी मंजिल मिली और हम टिफ़िन टॉप पे पहुंच गए, पर ये 1.5 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग थी ना वो वर्थ इट रही क्योंकि यहाँ से जो व्यू देखने को मिला हमें, जब मैं लास्ट टाइम गई थी नैनीताल तो हम लोग खच्चर से गए थे शायद, जो कि इतना मज़ेदार नहीं था। खुद ट्रैक करके जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। फर्स्ट टाइम गए थे हम लोग तो जो हमें गाइड ने रिकमेंड किया हमने वही फॉलो किया। इस बार हम लोग पैदल ही गए थे और बहुत इन्जॉय किए और यहाँ से जो व्यू दिख रहा था, बाप रे, आई कॉन्ट एक्सप्लेन यू, इतना खूबसूरत था। मुझे पहाड़ों से वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ टाइम पे रुके, फ़ोटो लिया, वीडियो बनाई, इन मोमेंट्स को रिकॉर्ड किया, मोमेंट को इन्जॉय किया। यहाँ से जो नैनीताल दिख रहा था ना, जितना खूबसूरत दिख रहा था मैं बता नहीं सकती, शायद वो कैमरे में कैप्चर भी ना हो पाए। जब हम टिफ़िन टॉप से वापस आए तो हमें पास में एक ये गुफा दिखी जहाँ से ठंडी हवा आती है, तो हमने इसका भी एक्सपीरियंस लिया। फिर हम वापस आ गए माल रोड पे और यहाँ पे हमें एक भैया मिले जो 15 मिनट में स्केच तैयार करके दे रहे थे लोगों का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो मैंने भी अपना स्केच बनवाया और भैया ने 15 से 20 मिनट में मुझे तैयार करके स्केच दे दिया। मैं फ़र्स्ट टाइम बनवा रही थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कैसा बनेगा। इसके बाद जब भैया ने मुझे दिया तो मैं मैच करवा रही थी लोगों से कि देखिए मेरा मैच हो रहा है या नहीं। इसके बाद हमने डिनर किया और वापस हम अपने होटल आ गए। फिर हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।